नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिव इंडिया पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी। क्या आपने राजा ययाति की कहानी सुनी है? आइए सुनते हैं। राजा ययाति के पांच पुत्र थे जिन्होंने आगे चलकर पांच महानतम वंशों का निर्माण किया। राजा यदु ने यदुवंश का मतलब यादवों का निर्माण किया। राजा तुर्वस्तु यवन वंश मतलब कि तुर्क की स्थापना की। राजा अनु इन्होंने ग्रीक की स्थापना की। राजा दुर्व्यू भोज वंश की इन्होंने स्थापना की। और राजा पुरु जिन्होंने पौरव वंश की या कुरु वंश की स्थापना की। ये पांचों ही राजा ययाति के पुत्र थे। आइए जानते हैं इनकी कहानी। यदुवंशी एक शापित जाति थी। वह शापित क्यों थी, आइए जानते हैं। राजा यदु को श्राप मिला था कि उनके आगे के वंशज कभी भी राजा नहीं बनेंगे। वो कभी भी राजमुकुट नहीं पहन पाएंगे। उनमें कोई ना कोई नेता जरूर होगा, लेकिन कोई भी राजा नहीं बनेगा। महाभारत के पात्र शांतनु को तो आप सब जानते ही होंगे। शांतनु के पूर्वज थे कुरु और कुरु के पूर्वज थे भरत। भरत के पूर्वज थे कुरु और कुरु के पिताजी का नाम था ययाति। ययाति के जो पांच पुत्र थे उन्हीं में से एक पुत्र थे राजा पुरु। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के कई युद्ध हुए और इन युद्धों में कभी देवता विजयी होते थे, कभी राक्षस जीतते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षस जीतते जा रहे थे और उनकी शक्ति तेजी से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके पास थी मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। जब भी युद्ध में कोई राक्षस मर जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। देवताओं के लिए ये तो बड़ी ही समस्या की बात बन गई थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इस विद्या से अनजान थे। देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बन जाएं और मृत्यु संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करें। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान तो नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर तुम किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को आकर्षित कर लो तो संभवतः ये काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ एक तेजस्वी युवक था और देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी, पर ये बात उसने किसी से भी नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को ये बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना ही है। उन्होंने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी है। अंततः उन्होंने चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बना ली। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब ये जाना तो रो रो कर उसने पिताजी से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिताजी के पास मृत संजीवनी विद्या है। शुक्राचार्य समझ गए कि देवयानी कच्छ से बहुत प्रेम करती है और अपनी पुत्री के आगे हार कर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस बहुत चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद फिर से कच्छ को मारने की साजिश की, लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते। शुक्राचार्य अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे। पुत्री मोह में उन्हें पुनः कच्छ को जीवित करना पड़ा। अब राक्षस क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। तीसरी बार उन्होंने कच्छ को मारने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। वे जानते थे कि शुक्राचार्य के पास विद्या है और इस विद्या से वो कच्छ को फिर से जीवित कर देंगे।
इसीलिए उन्होंने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय में मिलाया और वो पेय अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा कि चलो अब तो कच्छ वापस नहीं आ सकता। देवयानी ने जब कच्छ को कहीं नहीं पाया तो वो समझ गई कि कच्छ के साथ क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करें कि कच्छ कहाँ है। शुक्राचार्य महान ऋषि थे, उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उनके खुद के पेट से ही कच्छ की आवाज आने लगी। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए, अगर वो कच्छ को जीवित करने की कोशिश करते हैं तो वे स्वयं मर जाएंगे। अंततः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। लेकिन कच्छ के पास मृत संजीवनी विद्या आ गई थी, इसीलिए उसने इस विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। इस तरह से कच्छ ने शिष्य का धर्म निभाया। अंततः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। जब देवयानी ने कच्छ को देखा अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। लेकिन कच्छ ने सच बता दिया कि उसके आने का उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या सीखना ही था और अब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है तो उसे वापस देवलोक जाना होगा। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि क्योंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है इसीलिए शुक्राचार्य उसके पिता समान हो गए और इसी प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हो गई, इसीलिए वो अपनी बहन से तो शादी नहीं कर सकता। देवयानी को इस बात पर गहरा आघात पहुंचा। वह इतनी दुखी थी, इतनी क्रोधित थी कि उसने क्रोध में आकर कच्छ को श्राप दिया कि कभी भी तुम मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। कच्छ इस बात से चकित रह गए। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि जिस भी व्यक्ति से तुम विवाह करोगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने के लिए गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने शुक्राचार्य को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वो दोनों स्नान करने नदी के तट पर गई। जब लड़कियां स्नान कर रही थी तो जोर से हवा चलने लगी और इसके कारण नदी के बाहर रखे हुए उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। देवयानी जब नदी से बाहर आई तो आकर जल्दबाजी में कपड़े पहनने लगी तो उसने गलती से शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सारे कपड़े आपस में मिल गए थे। अंततः देवयानी ये भूल गई थी। शर्मिष्ठा ने जब ये देखा तो उसे देवयानी पे बहुत क्रोध आया। उसने चिढ़कर कहा, मेरे कपड़े पहन के तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी? तुम क्या सोचती हो कि राजकुमारी के कपड़े पहन के तुम राजकुमारी बन जाओगी? तुम्हारे पिता तो मेरे पिता के सेवक हैं और इसी वजह से तुम भी मेरी सेविका ही हो। देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। शर्मिष्ठा भी रूपवती थी पर फिर भी उसे देवयानी से बहुत जलन हुई। स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी हुई शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत ही गहरा था। अंततः देवयानी बच तो गई लेकिन वो उस कुएं के बाहर नहीं निकल पाई। कुएं में गिरने के कारण उसे चोट लग गई और चोट से कराहती हुई देवयानी बचाव के लिए गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल में युवा राजा ययाति शिकार खेल रहे थे। राजा ययाति महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब ययाति कुएं के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवयानी की करुण पुकार सुनी। राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। राजा ययाति एक सुदर्शन पुरुष थे। वो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाले थे और देवयानी उनके सुंदर व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। वह कहने लगी कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो अब इसे छोड़िएगा नहीं, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी के रूप और यौवन पर मुग्ध हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वो थोड़े असमंजस में पड़ गए। ययाति ने देवयानी से कहा वह भी देवयानी से विवाह करना चाहते हैं पर गुरु शुक्राचार्य को ये संबंध कभी भी स्वीकार नहीं होगा, इसीलिए वो ये विवाह करने में असमर्थ हैं। बस यही कह के दुखी मन से
राजा ययाति वहां से चले गए। अब देवयानी का दूसरी बार तिरस्कार हुआ था। वो और भी ज्यादा दुखी हो गई। पहले कच्छ के कारण वो दुखी थी। अपमान, दुख, शोक के सागर में डूबी हुई देवयानी वही कुएं के पास बैठ के रोने लगी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता होने लगी। शुक्राचार्य देवयानी को खोजने के लिए निकल पड़े। जब वन में उन्हें देवयानी इस हालत में मिली तो यह देख के उन्हें बहुत ही दुख हुआ। देवयानी के कपड़े गंदे थे और उसे जगह जगह चोट लगी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा अश्रुओं में डूबा हुआ था। अपनी प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा कि इस दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा है और मेरा अपमान किया है। अब मैं चाहती हूँ कि राजकुमारी शर्मिष्ठा को मेरी दासी बनाया जाए। उसे बहुत घमंड है, उसका घमंड तोड़ना चाहती हूँ मैं। शुक्राचार्य अपनी पुत्री को ना नहीं कह सकते थे। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वह उनके राज्य में वापस कभी नहीं लौटेंगे। अगर वे चाहते हैं कि वो उनके राज्य में वापस आए तो देवयानी की इच्छा अनुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा को देवयानी की सेविका बनाया जाए। राजा वृषपर्वा ये बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित है, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य के पास इतनी सारी विद्याएं थी कि उसके बिना असुर कुछ भी नहीं थे। राजकुमारी शर्मिष्ठा भी ये बात जानती थी, इसीलिए राक्षस जाति के उद्धार के लिए उसे आखिरकार देवयानी की सेविका बनना ही पड़ा। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी। पुनः उसकी मुलाकात राजा ययाति से हो गई। देवयानी और ययाति दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अब देवयानी रुक नहीं सकती थी। वह ययाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और ययाति से विवाह करने की इच्छा जाहिर करने लगी। गुरु शुक्राचार्य अपनी बेटी को ना नहीं कह सकते थे। उन्होंने देवयानी की इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने ययाति को कहा कि तुम्हारी वजह से कभी भी मेरी पुत्री की आंख में अश्रु नहीं आना चाहिए। ययाति ने उनकी यह शर्त सहर्ष ही मान ली और अंततः दोनों का विवाह हो गया। देवयानी से विवाह होने के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य लौट गए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई। दासी होने के बावजूद, क्योंकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, अंततः उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दिया गया। एक दिन शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी। उसका सामना उधर से गुजरते राजा ययाति से हो गया। अब इसे चाहे तो आप कच्छ का श्राप कह लीजिए, या फिर शर्मिष्ठा की सुंदरता का असर, या विधि का खेल, चाहे जो मर्जी कहिए, पर राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पे मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति की ओर आकर्षित होने लगी। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि उसकी भावना का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर ले। इच्छा तो ययाति की भी थी कि वो शर्मिष्ठा से विवाह कर ले, पर वो जानते थे कि अगर देवयानी को पता चला तो वो बहुत क्रोधित होगी, और अगर देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष ययाति पे टूट पड़ेगा। कुछ समय बाद शर्मिष्ठा और ययाति दोनों ही गुपचुप गंधर्व विवाह कर लेते हैं। समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद देवयानी गर्भवती होती है और उसने दो पुत्रों को जन्म दिया, यदु और तुर्वस्तु। उधर शर्मिष्ठा भी गर्भवती होती है, वो भी तीन पुत्रों को जन्म देती है, पुरु, अनु और ध्रुयु। देवयानी को जब पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों का पिता भी ययाति ही है तो उसे बहुत दुख हुआ। वो ये बात शुक्राचार्य को बता देती है। शुक्राचार्य को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और क्रोध के कारण वो ययाति को श्राप देता है, तुमने मेरी बेटी के साथ छल किया है, तुरंत ही तुम्हें एक वृद्ध पुरुष बन जाओ। देवयानी ने जब देखा कि उसका युवा सुंदर पति अब एक कुरु बूढ़ा व्यक्ति बन गया है तो उससे रहा नहीं गया। देवयानी फिर से अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि अपना श्राप वापिस ले लीजिए, मेरे पति को फिर से पहले जैसा कर दीजिए। शुक्राचार्य कहने लगे, मेरा श्राप वापिस नहीं हो सकता। हाँ, अगर ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन ययाति को देना चाहे तो ययाति फिर से युवा बन सकता है। ययाति भोग में डूबा हुआ था। उसका मन यौवन के आनंद से अभी भरा नहीं था। वो अभी भी यौवन का और भी ज्यादा आनंद लेना चाहता था।
इसीलिए उसे जरा भी ग्लानि नहीं हुई और वो अपने बड़े पुत्र के पास गया। अब वो अपने सबसे बड़े पुत्र यदु के पास गया और अपना यौवन उसे देने के लिए कहने लगा। यदु ने ययाति को सीधे मना कर दिया। इसी प्रकार उसके बाकी के पुत्र तुर्वस्तु, अनु और दुयु ने भी ययाति के आग्रह को ठुकरा दिया। ययाति थोड़ा सा निराश हो गया। फिर वो अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गया और यही याचना पुरु के सामने की। पुरु ने सहर्ष ही अपने पिता की बात मान ली और अपना यौवन उन्हें दे दिया। उसी पल एक क्षण में ययाति पुनः युवा बन गया और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। ययाति ने आनंद पूर्वक 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। वो अभी भी अपने यौवन को लेकर असंतुष्ट था। फिर वो सोच में पड़ गया और उसे समझ में आ गया कि इच्छाओं का तो कोई भी अंत नहीं है। लाख मन की कर लो, फिर भी कोई ना कोई नई इच्छा पैदा होती रहती है। ऐसे कामनाओं के पीछे भागने का कोई भी अर्थ नहीं है। अंततः ययाति आत्मग्लानि से भर गया। उसे याद आया कि उसने तो अपने पुत्र की सारी उम्र जी ली, उसका यौवन भी उससे ले लिया। अब उसे उसकी आयु वापस कर देनी चाहिए। अंततः ययाति अपने पुत्र पुरु के पास गया और उसे कहने लगा, तुम अपना यौवन मुझसे वापस ले लो, मैं बहुत जी लिया, अब तुम जियो। लेकिन पुरु बहुत ही आज्ञाकारी था। वह कहने लगा, अगर आप चाहें तो कुछ समय और आनंद का भोग कीजिए, मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। लेकिन ययाति को आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं बहुत जी लिया, अब तुम अपना यौवन वापस ले लो। और ययाति ने पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया। परंतु इतने वर्ष बीत चुके थे, पुरु के यौवन की सारी आयु खत्म हो चुकी थी। अब वो भी एक वृद्ध व्यक्ति बन चुका था। ये देखकर ययाति को बहुत दुख हुआ और ययाति वन में रहने का फैसला करता है और जाने से पहले वो अपना उत्तराधिकारी पुरु को बना जाता है। इस बात पे बड़े पुत्र यदु को क्रोध आया। वह कहने लगा कि मैं बड़ा पुत्र हूँ, उत्तराधिकारी मुझे बनना चाहिए। परंतु ययाति को बहुत क्रोध आया। वह कहने लगा कि तुम एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं हो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। पुरु ने अपनी सारी आयु मुझे दे दी, अपना यौवन मुझे दे दिया, सिर्फ मेरी आज्ञा के कारण। इसीलिए पुरु को मैं आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम और तुम्हारे आगे के कोई भी वंशज कभी भी राजा नहीं बन पाओगे। आगे चलकर राजा ययाति के 5 पुत्रों ने 5 महानतम वंशों का निर्माण किया। राजा यदु ने यदुवंश, राजा तुर्वस्तु ने यवन वंश मतलब कि तुर्क, राजा अनु ने म्लेच्छ वंश मतलब कि ग्रीक और राजा दियु ने भोज वंश इनका निर्माण किया और राजा पुरु ने पौरव वंश या कुरु वंश का निर्माण किया। तो ये थी राजा ययाति की कहानी। दोस्तों, इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती और जीवन ख़त्म हो जाता है, इसीलिए अपनी इच्छाओं पे अंकुश लगाइए और प्रभु का गुणगान कीजिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले पता चले। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।